तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी फरवरी 2020 का रिजल्ट के बारे में और ट्रिपल सी मार्च 2020 एडमिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों ट्रिपल सी फरवरी 2020 का रिजल्ट आ चुका है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड कब आएगा, सॉरी अभी आया तो है नहीं, एडमिट कार्ड कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे मार्च के। तो पहले हम बात करते हैं फरवरी रिजल्ट के बारे में कैसे डाउनलोड करना है। तो ये नेलेट की साइट है, मैंने ओपन कर ली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। मैंने मोबाइल में ही ओपन की है, आप मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको साइट में जाना है, साइट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है व्यू रिजल्ट पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा व्यू रिजल्ट, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर दो नंबर पे, देखना है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसी विंडो आ जाएगी, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के यहाँ तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय कैंडिडेट, सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर। तो ये कह रहा है कि आप इन तीनों ऑप्शन के जरिए अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जब रिजल्ट डाउनलोड करते समय यह ध्यान रखना है कि हम रोल नंबर से डाउनलोड कर रहे हैं या एप्लीकेशन नंबर से, ठीक है। तो अब आप लोगों को एग्जामिनेशन ईयर सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला, तो आप इस पर क्लिक करिएगा 2020, ओके। उसके बाद मंथ आप लोगों का एग्जामिनेशन नेम है फरवरी, है फरवरी का आ गया इसलिए शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर रोल नंबर, रोल नंबर आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। जी ओ से स्टार्ट जो होगा वही होगा जी ओ से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गोरखपुर से हैं, ले जी ओ, बहुत लोगों का ए यू होगा, जी एल होगा, बहुत सारे वर्ड से स्टार्ट हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट से। तो जिनका भी जो होगा रोल नंबर वो यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डी ओ बी डालना है, जो आपके फॉर्म फिल करते समय आपने डाला था, ठीक है, डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करके डालिएगा, ओके। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड ये, ओके, ये जो ब्लैक कलर में है ये कैप्चा कोड है, इसको आप लोगों को इसमें इंटर कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आपका रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर आप लोगों की हर सलूशन कर दूँगा, ठीक है, अगर आप लोगों का रिजल्ट आया होगा तो, ठीक है। तो आप हमसे उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मैं उस पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मोबाइल से एडमिट कार्ड, मोबाइल से फरवरी का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी मार्च 2020 का एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो ट्रिपल सी का रूल्स होता है एडमिट कार्ड आने का, वो होता है जिस भी मंथ में एग्ज़ाम होने रहते हैं उस मंथ के फर्स्ट से सेवन्थ डेट के बीच में, यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में आप लोगों के एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। मार्च वालों के लिए 1-2 दिन या 3-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई अभी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है, लेकिन जैसे भी आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे एडमिट कार्ड आए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और जैसे कि 1 से 7 के बीच आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है आ जाएंगे, उसके बाद 7 के 8 से लेकर आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप लोगों के एग्ज़ाम किस डेट को है मैं ये बता दूँ, एडमिट कार्ड जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा लिखा होगा कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, इस सेंटर पे गया है, इस डेट पे है, इस समय पे है, पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आएगा तो मैं एक डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं एडमिट कार्ड और क्या क्या डिटेल उसमें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बेशक कमेंट में पूछिएगा, ये वीडियो की डिस्कशन मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। तो जो मार्च वाले स्टूडेंट हैं वो तैयारी भी करना चाह रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं, मैं ट्रिपल सी की तैयारी भी करवाता हूं, तो बहुत सारे चैनल पे वीडियो पड़े हैं उनको देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है संदीप इन्फो, तो उस पर आप जाके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, उस पर भी पब्लिश कर दिए हैं, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।